हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑनलाइन ट्रिक जीके में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के ज़िले, राजस्थान के ज़िलों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मीठे पानी के ज़िले हैं, राजस्थान में मीठे पानी के ज़िले हैं। तो देखते हैं, जय संबंध, पंचभद्रा, डीडवाना और सांबर, तो कौन सी झील है वो मीठे पानी की झील है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संबंध। तो बात करते हैं आंसर देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन राइट है, जय संबंध झील है वो मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है। राजस्थान के पश्चिम भाग में जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस महासागर का भाग मानी जाती है, किस महासागर का भाग मानी जाती है। प्रशांत महासागर, अरब सागर और 33 सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 सागर। राजस्थान के पश्चिम में खारे पानी की झीलें मिलती है, ये खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोड रॉक स्थित है, वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोड रॉक स्थित है, तो वो कौन सी झील है। राजसमंद झील, बाल संबंद झील, नक्की झील और कोलायत झील। तो आप फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप जिस क्वेश्चन के बारे में, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो, ताकि वो क्वेश्चन है आपको याद हो जाए। तो इसके आंसर की बात करते हैं, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर राइट होगा नक्की झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नक्की झील। अगला क्वेश्चन, कावोद झील कौन से ज़िले में स्थित है, तो कावोद झील कौन से ज़िले में स्थित है, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, अलवर। तो बात करते हैं इसके ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, गढ़सीसर झील किस जिले में स्थित है, तो गढ़सीसर झील किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर, जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो गेब सागर झील कौन से जिले में स्थित है, गेब सागर झील कौन से जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और वीडियो के अंत में ये भी बताएं कि आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनूप सागर झील कहाँ पर है, तो अनूप सागर झील कहाँ पर है, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, भारत के खारे पानी की कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन किस जिले में स्थित है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर है, वो हमारा सही आंसर होगा जयपुर। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील किस जिले में स्थित है, ये जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भुज झील किस जिले में है, जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो इसका आंसर राइट आंसर देखते हैं कि कौन सा आंसर है इसका राइट होगा, जैसलमेर। तो इसका हमारा दो नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जैसलमेर। पिछोला झील किस जिले में स्थित है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पिछोला झील किस जिले में है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर। तो ये आप सब लोगों को पता है कि जो पिछोला झील है वो उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर दो राइट हो जाएगा। नक्की झील किस जिले में स्थित है, तो नक्की झील जयपुर, अलवर, सिरोही और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही। इसका तीन नंबर आंसर है वो राइट हो जाएगा, सिरोही। सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है, तो सिलीसेड झील बूंदी, सिरोही, उदयपुर, अलवर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर। सिलिसेट झील किसमें जिले में स्थित है, अलवर में। नवलखा झील किस जिले में है, तो नवलखा झील हमारी बूंदी जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी। इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा, बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताल छापर किस जिले में स्थित है, ताल छापर किस जिले में, ताल छापर है चूरू जिले में, तो इसका ऑप्शन नंबर एक हमारा है वो राइट हो जाएगा चूरू। अगला क्वेश्चन, अनूप सागर किस जिले में स्थित है, तो अनूप सागर बीकानेर जिले में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर चार राइट हो जाएगा कि बीकानेर। अगला है, परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील है, परिहार द्वारा, तो परिहार शासक बालक राव के द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है, ये बाल संबंध है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर तीन राइट हो जाएगा, और क्या ऑप्शन होगा, बाल संबंध। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण क्या है, राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेथिस सागर के अवशेष। राजस्थान में टेथिस सागर के अवशेष जिसके कारण राजस्थान के पश्चिम में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया, तो जोधपुर में महाराजा विजय सिंह ने गुलाब सागर का निर्माण करवाया, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर तीन राइट हो जाएगा, महाराजा विजय सिंह। उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिछोला। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। चश्मा ए नूर झरना किस झील के किनारे स्थित है, तो चश्मा ए नूर झरना ये आना सागर झील के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर दो राइट हो जाएगा कि नूर, चश्मा ए नूर झरना आना सागर झील के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है सिलिसेड, वो सिलिसेड कहाँ पर स्थित है, सिलिसेड अलवर जिले के अंदर स्थित है, हमने पिछले क्वेश्चन में बात भी की थी कि अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, एक तरफ झील के नाम दिए हुए, दूसरी तरफ उसका स्थान जिला दिया हुआ है, पंचभद्रा झील नागौर, तो इसका तो यही हो जाएगा कि पंचभद्रा झील ये असम्मिलित है। डेबर झील है वो कहाँ पर है, डेबर झील उदयपुर में, इसका राइट आंसर हो जाए। गेब सागर झील ये डूंगरपुर में है, और तालाब शाही झील ये धौलपुर में है, तो ये भी राइट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचभद्रा झील नागौर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो राजस्थान में मीठे पानी की और मानव निर्मित झील कौन सी है, जय संबंध झील है, तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जय संबंध झील राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, कोलायत, तो यह लवणीय झील की बात कर रहा है, नहीं है पूछ रहा है कि मीठी झील, इसका मतलब मीठी झील के बारे में पूछ रहा है, तो कोलायत, ये कोलायत मीठे पानी की झील है, जो कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है, तो इसका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीकानेर, कोलायत झील। निम्न में से एक सही नहीं है, राजस्थान के पश्चिम भागों में सामान्यतः खारे पानी की झीलें पाई जाती है, बिल्कुल राइट पर्सन, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, तो ये भी राइट। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील, ये भी इसका राइट हो जाएगा, और राजसमंद झील, तो ये चौथा ऑप्शन बचा, ये अपने आप ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, डीडवाणा, तो आपको पता है कि डीडवाणा खारे पानी की झील है, सांबर ये भी खारे पानी की झील है, और फलोदी भी खारे पानी की झील है, और हमने पिछले प्रश्न में बात की थी कि कोलायत झील है वो मीठे पानी की झील है जो बीकानेर में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोलायत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, एक तरफ झील दी हुई है, दूसरी तरफ उसके शासक का नाम दिया हुआ है, कि कौन सी झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो जय संबंध झील का जय सिंह ने करवाया, और राज संबंध का राज सिंह ने करवाया, ये भी सम्मिलित है, फिर केलाना का सूरजमल ने करवाया, तो वो इस तरफ से सम्मिलित हो जाएगा, और सुजान गंगा का करवाया प्रताप सिंह ने। अगला हमारा क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन लवणीय झील नहीं है, यानी कौन सी झील है वो खारी पानी की झील नहीं है। डीडवाना, कोलाइत, पंचभद्रा, कावद। वही क्वेश्चन घुमा फिर के अगला क्वेश्चन है वो कैसे भी दे सकता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलाइत। दोस्तों आप वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे आपको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।